जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों को उड़ाया है, तब से जिस तरीके से सरहद पर तनाव बढ़ गया है, टेंशन बढ़ गई है, खबरें हैं कि पाकिस्तानी विमानों ने भी भारतीय सरहद में घुसपैठ की है, ऐसे में क्या मानना है भारत के उन नागरिकों का जिन लोगों ने अपने मतों से सरकार को चुना है और वो सरकार जिस तरीके से अब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ये बताइए सबसे पहले कि बतौर इंडियन सिविलियन क्या आप लोगों का मानना है जो सरहद पर हालात चल रहे हैं? ये हालात बड़े नाजुक हैं और अगर ये हालात और बिगड़ते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली जाएगी, महंगाई दर ऊँची होती चली जाएगी और उससे देश के नागरिकों को बहुत ही झटका लगेगा, गरीबी रेखा के झटका लगेगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस बात को ज़्यादा ना बढ़ाकर शांति अमन का पैगाम लेना चाहिए और किसी भी तरह किसी भी देश का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आप बताइए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लगातार आतंकवादी जो हैं भारतीय जवानों पर हमले करते हैं, उनको हताहत करते हैं और भारत ने अब जवाब दिया है, देश में एक तरीके के जश्न का भी माहौल है, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी कार्रवाई कर दी है, तो क्या चिंता है, खुशी है, साथ हैं इस डिसीजन के की कोई अपील है? पूरा देश मोदी जी के साथ है, लेकिन जो मोदी जी ने कहा था बड़ा करेंगे, इतना बड़ा नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के जवान अभी भी मर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से हमारे देश पर रेगुलर हमला हो रहा है और हमने भी हमला किया है, लेकिन पूरा देश ये चाहता है इस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो। अगर मान लीजिए बड़ी से बड़ी कार्रवाई होती है और जंग के हालात अगर हो जाएं सरहद पर, तो उन हालातों को निपटने के लिए, उनको झेलने के लिए सक्षम है आप लोग, तैयार हैं कि अगर जंग होती है तो? अब हमारा देश इतने गुस्से में है कि हर तरीके से तैयार है। हम सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं इस बात के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मोदी जी साथ हैं, देश के साथ हैं, जो भी हालात होंगे हम देखेंगे, जो भी हालात होंगे तैयार हैं कि अगर जंग जैसे तैयार हैं, अगर जंग होती है तो जंग को उसको जंग के तरीके से निपटना भी चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए हमारे देश के जो सैनिक हैं, और जंग को लड़ना भी चाहिए, पर अगर किसी तरीके से अमन चैन हो जाए तो वो भी हमें एक कदम उठाना चाहिए देश के लिए। आप बताइए सब तैयार हैं जंग के लिए, जो हालात अभी चल रहे हैं सर? पूरी तरीके से तैयार हैं जी, और जंग होनी चाहिए बिल्कुल, ये सिस्टम सारा जो ना रोज रोज का जो सिस्टम है ये खत्म हो जाना चाहिए, जंग होनी चाहिए जो कह रहे हैं जंग होनी चाहिए, तैयार हैं ऐसे हालातों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल में क्या है जी, ये जंग तो बहुत साल पहले हो जानी चाहिए थी, आप अभी भी वेट करोगे ना, वो पाकिस्तान मान कर रहा है, अगर वो समझे बात को, अगर वो प्यार से बात को समझे तो बात को समझानी चाहिए। अब वो रोज हमले कर रहा है, हम रोज कल करेंगे, परसों करेंगे, बड़ा करेंगे, छोटा, कब होगा वो? अगर जंग होनी है वो आज भी होनी है, दो साल बाद भी होनी है, वो नतीजे हमें भुगतने ही है, तो हम दो साल क्यों वेट करें, जो करना है आज करें, काम खत्म करें। पूरा देश परेशान है, लोग रोज शहीद हो रहे हैं, हमारे जवानों ने हालत खराब कर दी है, और अब पाकिस्तान की हालत देखो, इतना होने के बाद भी वो आज फिर अटैक कर रहा है, वो किसकी सुन रहा है? अगर वो सुन नहीं रहा तो उसकी व्यवस्था चरमराएगी, देश कई साल पीछे चला जाएगा, दोनों एटमी पावर है, परिणाम भयावह भी हो सकते हैं। परिणाम तो आप क्या सोच रहे हो, ये काम हमें दो साल बाद भी करना पड़ेगा, वो रुक कहाँ रहा है, वो सुन कहाँ रहा है, वो हमेशा वो काम कर रहा है जो गलत है, वो किसी देश की नहीं मान रहा, अपनी उसकी खुद की अर्थव्यवस्था इतनी खराब है वो फिर भी मान नहीं रहा है, तो ये जो काम हमें कर लिया परसों करना है या दो साल बाद करना है, वो आज क्यों नहीं करना है? बातचीत से मामला नहीं सुलझ सकता है? नहीं सुलझ सकता, इतने साल हो गए, इतनी बातचीत हो चुकी, इतने देश हमारे बीच में आए हैं, आज तक क्या हुआ? वो दो दिन कुछ पहले कुछ बोलता है, बाद में कुछ बोलता है, बाद में बातचीत से मामला नहीं सुलझ सकता? बातचीत से सुलझना होता तो सुलझ जाता, इतने दिन हो चुके हैं, हमारे 42-45 सैनिक मारे गए थे, देश का बड़ा दुर्भाग्य है, हमारे सेना पर तगड़ा हमला हुआ। देश है जो बातों से नहीं मानेगा, इसके साथ युद्ध करना पड़ेगा, ये हमारे देश की मजबूरी है। जंग होती है सरकार के साथ हैं जी, बिल्कुल चाचा सरकार के साथ हैं, अगर पाकिस्तान से जंग होती है तो? बिल्कुल साथ है सरकार के, और जंग होगी नुकसान होगा देश का, फिर अभी नुकसान तो दो साल बाद भी होगा, वो इतने दिन से मान ही नहीं रहा पाकिस्तान। जाहिर सी बात है लोग हैं यहाँ पर, लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं सरकार के जी, हम तन मन धन से इस देश के साथ हैं, हर तरीके से तैयार हैं, सरकार अगर बोले कि तन मन धन जो चाहिए हमारे बस की जो होगा हम सब कुछ करेंगे, जो काम परसों करना है वो आज कर देना चाहिए। जाहिर से बात है कि लोग हैं, लोगों की अपनी राय है, साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि इस डिसीजन में, इस कड़ी कार्रवाई में वो भारत सरकार के इस कदम के साथ में है, साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि सरकार इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अख्तियार करे।